फौजी स्टैंड सॉल फौजी ने वो कर दिया जो आज तक पाकिस्तान को कोई बैट्समैन कर नहीं सका, यानी कि पहली बॉल से आखिरी बॉल तक रहा और मैच जितवा के आया। और टारगेट कितने का? सिर्फ 337 का यार, इतना छोटा टारगेट भाई, कमाल कर दिया फखर जमान पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान वालों की ईद हो गई, बल्कि दोबारा ईद हो गई क्योंकि अब एक हफ्ता पहले ही उनकी ईद हुई थी। खैर, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर देखने को मिलती रहे। तो पाकिस्तान के इस टाइम पे आप पाकिस्तान के लाहौर सियालकोट से देखोगे तो यहां तक जो है वो जश्न की आवाजें आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के फखर जमान ने पाकिस्तान को ईद मनाने का एक और बहुत बड़ा मौका दे दिया है। पाकिस्तान दरअसल दूसरा वनडे मैच खेल रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले मैच में याद रहे फखर जमान ने सेंचुरी छोड़ दी थी और उससे जो पहले वाला मैच था उसके अंदर भी सेंचुरी छोड़ दी थी, और यहां पर पाकिस्तान के फखर जमान ने बना दिए हैं 180 नाबाद रन और इतनी बड़ी इनिंग उनके करियर की, ये सबसे बड़ी इनिंग आप कह सकते हो क्योंकि अपनी टीम को जितवाया है। 180 रन बनाकर बंदा मैच हार जाए ना, फिर उसे 180 रन का मजा बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन अगर पहली बॉल से जाए और अपनी टीम को जितवा कर आए, पूरा मैच जितवा कर आए, एंड तक खुद ही फिनिश करके आए, तो उससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं होता। और आज फखर जमान ने यही किया है। ओपनिंग की यहां पर इमामुल हक के साथ अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी 50 रन की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इमामुल हक को लोग जो गलत बोल रहे हैं गालियां दे रहे हैं। देखो, एक अच्छा कप्तान जो था ना, इमरान खान भी यही कहता था कि भाई मुझे अपने ओपनर से 50 रन की पार्टनरशिप चाहिए होता ताकि वो बॉल को थोड़ा सा पुराना कर लें, और यही काम जो है वो फखर जमान और इमामुल हक कर रहे हैं। वो बॉल को जो है थोड़ा सा पुराना करके दे देते हैं बाकी के प्लेयर्स को और बाकियों के लिए आसानी हो जाती है बैटिंग करने के लिए। अब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टारगेट को चेस करने में बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूट थी बाबर आजम की, और बाबर आजम ने जो एक कवर ड्राइव के ऊपर से छक्का लगाया, मतलब कवर ड्राइव वाला छक्का लगाया, वो शायद दुनिया में आज तक कोई बैट्समैन नहीं लगा सका है। देखो, विराट कोहली ने मारा था, लेकिन वो एक आईपीएल था, वो एक लीग मैच था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। विराट कोहली का अपनी जगह उसको सिल्यूट है यार जो शॉट मारता है, लेकिन बाबर ने कल जो शॉट मारा है बिल्कुल जमीन के ऊपर से उठा के, यानी कि आप कह लो कि यॉर्कर बॉल आ रही थी, वो जो स्पिन बॉल थी वो बिल्कुल यॉर्कर थी, और उसको इतने अच्छे तरीके से टाइम करके छक्का पहुंचाया और 60 रन बनाकर, एक्चुअली 65 रन बनाकर बाबर आउट हुआ है। और बाबर की वजह से जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मिला है। एक एंड पे फखर जमान था, एक एंड पे बाबर आजम था, दोनों का स्ट्राइक रेट डिसेंट था। हालांकि फखर जमान थोड़े बेहतर खेल रहे थे, लेकिन बाबर ने भी 66 बॉलों में 65 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं, वो 9 रन बनाकर और करीब 14 गेंदों में कुछ खास कर नहीं सके। हालांकि उनको शान मसूद की जगह पे लाया गया क्योंकि शान मसूद की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर आते हैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की जो जोड़ी, इस जोड़ी ने जो मिलकर मैच को फिनिश किया है ना, यकीन करो 100+ आई थिंक रन की इनकी पार्टनरशिप हो गई। और मोहम्मद रिजवान भी एक ऐसे बैट्समैन निकल के सामने आ रहे हैं जो स्ट्राइक रेट की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। यहाँ पर आप उनके T20 के स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई T20 में उनका स्ट्राइक रेट कम है, ये है वो वगैरह, या वो वनडे में T20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, इतना तेज बैटिंग कर रहा है, जहां पाकिस्तान को जरूरत है वहां बैटिंग कर रहा है, और पिछले मैच में भी नॉट आउट था, इस मैच में भी नॉट आउट है, तो इससे पता चलता है कि कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस में है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान। एक्चुअली पिछले 3 ही मैचों में आप कह रहे हो कि नॉट आउट है, क्योंकि 98 आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी नॉट आउट था, फिर यहाँ पर लास्ट मैच में भी 43 या कुछ और नॉट आउट होता, इस मैच में 50+ रन बनाकर नॉट आउट रहा है। तो मोहम्मद रिजवान इस टाइम पे पाकिस्तान का एक हुकुम का इक्का बने हुए हैं, हालांकि बहुत अंडररेटेड है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की इनिंग को भी हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन किंग इज किंग, यहां पर आप कह लो कि भाई फखर जमान ने मतलब 3 कंसेक्यूटिव 100s बना दिए हैं अभी तक, अभी उनके पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मौजूद है। और आपको पता है कि जब फखर जमान फॉर्म में होते हैं उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता। फखर जमान अपनी जब बेस्ट फॉर्म में आते हैं तो उनसे बेहतर कोई पाकिस्तान का क्या दुनिया का खिलाड़ी नहीं होता, क्योंकि 100, 117, उसके बाद 180, 180 रन नॉट आउट ना बाद जाके आना, 100 आप कह लो कि कोई 336 में से 135 रन जो ये थे, मतलब हाफ मार्क पे भी आप करो तब भी फखर जमान के जो रन्स है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा हैं, और यही चीज़ फखर जमान को सबसे ऊपर पहुंचाती है। खैर, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।